गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, आज फिलहाल जो है मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। तो एक्चुअली मैं जो मेरी जीभ है ना, वो सारी कटी हुई है। ये अभी से नहीं है प्रॉब्लम, ये बहुत मतलब पहले से प्रॉब्लम है। शुरू ऐसा लगा था पहले तो कि चलो हो जाएगी ठीक, कोई नहीं, पर हुई नहीं वो। और अभी पहले भी मैं इलाज चला था तो उससे कुछ नहीं हुआ। तो अब क्या नाम है, मैं तो किसी और के पास जा रहे हैं। मतलब वहाँ पे मैं जब छोटा था जब से ही जाते हैं हम। तो अगर देखते हैं, चलो अभी गाड़ी, अभी पापा आ रहे हैं बस गाड़ी लेके, बस चलो फिर चलते हैं। तो हे गाइस, फिलहाल जो है व्लॉग तो स्टार्ट हो गया था। डॉक्टर के पास मैं गया था, दवाई वगैरह अभी दी उन्होंने। वो क्लिप जो रिकॉर्ड करी थी मैंने, एक दो क्लिप ही करी थी, ज़्यादा तो करी नहीं थी। वो क्लिप भी फोन में जैसे बनी ना, तो मैं जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, रसोई में होगा तो रसोई की चीज़ ही लूंगा। जैसे मान लो ये फोन है, ये फोन की फ्रंट साइड है जहाँ पर स्क्रीन है, और ये फोन, चलो ये स्क्रीन वाली साइड है और ये वाली बैक वाली साइड है। तो ये बैक कैमरा जो होता है ना, मैं उसको ऐसे करके व्लॉग बनाता हूँ। तो ये वाला जो जैसे यहाँ पे कैमरा हो जाता है, तो मैं ऐसे बनाता हूँ व्लॉग। उसके अंदर क्या दिक्कत हो गई कि फ्रंट कैमरा खुल रखा था, और जो फ्रंट में जैसे यहाँ पे कैमरा होता है, देखो यहाँ पे कैमरा होता है या जहां भी होता है ऊपर की साइड में, अब वो कैमरा वहां की रिकॉर्डिंग कर रहा है। मैं बोल यहाँ पे रहा हूँ, वहां की रिकॉर्डिंग कर रहा है, और मेरे को लगा कि ये जो है कैमरा जो है ये बैक साइड से रिकॉर्ड कर रहा है। तो वो गलती लग गई, पता नहीं कैसे, आज तक तो लगी नहीं थी, देखो आज लग गई। तो फिलहाल मैं को सैंडविच बनाना है, तो सैंडविच को जो है आप फास्ट फॉरवर्ड में देखो, आज का व्लॉग हो जाएगा। अच्छा अच्छा खासा हो जाएगा आज का व्लॉग। और तो क्या ही करूँ यार, देखो घर पे अभी मैंने काम करा है, देखो पीछे पीछे देख ही रहे हो आप। चले हो जाओ, ये कपड़े देखो अभी मैं उतार के लेके आया हूँ बाहर से, देखो मैं हट जाता हूँ, देखो ठीक है। और अभी काम करा है मैंने अपने स्कूल का, और क्या करूँ अभी थोड़ी देर में बस ये बना के फिर मेरे को लर्निंग पे बैठना है अपना। तो चलो बनाते करते स्टार्ट। सबसे पहले जो है वो मैं एडिट कर दूंगा जब मेरे को फास्ट फॉरवर्ड लगाना होगा। आज एडिटिंग होगी, इतने दिनों से कोई एडिटिंग नहीं हो रही। अगर अभी भी मैंने व्लॉग बना के डाला है ना, अभी टाइम पीछे देख लो 6 बजे है, अभी व्लॉग आया है बिल्कुल करेक्ट, ठीक है अभी व्लॉग आया है। और बिल्कुल अभी 5:30 बजे व्लॉग बनाया और 6 बजे डल गया व्लॉग, ये हो रहा है मेरे साथ। तो फिलहाल क्या करते हैं, सबसे पहले आलू को हम छील लेते हैं। मेरे ख्याल से मैं 3 आलू छील लेता हूँ, चलो 4 छील लेता हूँ, थोड़े छोटे हैं नहीं। अच्छा गाइज, मैं आपको बताऊँ, आलू के जैसे छिलके होते हैं ये निकलते नहीं है कभी कभार। तो ये कैसे निकालता हूँ, मैं कैसे निकालता हूँ, ऑब्वियसली बहुत सारे तरीके हैं निकालने के। कोई लोग तो क्या होते हैं ना, जैसे कुक जब गर्म होते हैं आलू, तो उनको ठंडे पानी में करके और उनको फिर उसके पानी के अंदर करते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं अपने, पर मैं जो अपना तरीका यूज कर रहा हूँ फिलहाल, छिलके निकालने के, ठंडे आलू है। तो मैं क्या करता हूँ, देखो ये है अभी मेरे बैक कैमरे से बना रहा हूँ, तो उम्मीद करता हूँ आपको दिख रहा होगा। इसको मैं ऐसे प्रेस करके और इसको ऊपर खींच देता हूँ, तो जिससे ये ऐसा कुछ हो जाता है, और फिर अपना इस छिलके को निकाल लेता हूँ, और मेरे को फिर ये अपना ढंग से मिल जाता है। तो ये मैं 2-3 बारी भी कर सकता हूँ, पर मैं एक ही बारी ज्यादा करता हूँ, क्योंकि फिर जो आलू है ना वो ढंग से छिला जाता है। अब देखो पूरे पूरे छिलके निकल गए इसके, ठीक है ये फास्ट फॉरवर्ड में नहीं होगा, क्योंकि ये मैं आपको छील के दिखा रहा हूँ। ऐसा तो देखो यार, मैं तो क्या ही कुक हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ कुक, मैं छिलके का डाल रहा हूँ, मेरे खुद नहीं पता मैं छिलके कहाँ डाली है मैंने भी इसके, ये भी तो छिला मैंने, छोड़ो। देखो अब ये यहाँ से नहीं छिला, ये देखो ये यहाँ से नहीं छिला, ये देखो ये लाइन सी दिख रही है, पर ये यहाँ से छिल गया, ऐसा होता है।
अब ये जो कूड़ा है हमने मचाया है, इसको कर देते हैं ठीक। तो चलो आलू छील लिया, अब उनको मैश कर देते हैं। तो गाइस फिलहाल हमने मैश तो कर लिया है, अब हम मसाले डालते हैं। तो मसाले में सबसे पहले तो हम नमक डालते हैं। ठीक है, उसके बाद हम मिर्च डालते हैं। देखो तो अपने हिसाब से डालो, मैं जो है थोड़े से हम स्पाइसी खाते हैं तो इसके उससे मैं डाल रहा हूँ, और मेरी जो है एक्यूरेट रहती है ज्यादातर। मैं जैसे डालता हूँ तो देख के ऐसे डालता हूँ कि हाँ इतनी जरूरत है, मेरा कम ज्यादा नहीं होता, मतलब थोड़ा सा। जैसे कोई एक चीज थोड़ी सी कम हो गई, वो तो देखो बड़ों में भी हो जाता है, मैं तो फिर भी छोटा हूँ तो इसलिए वो नहीं गिनते, पर हाँ मेरी देखा जाए तो वैसे कम गड़बड़ होती है इसमें। तो ये ना हमने मतलब इसको यहाँ पे फिक्स करवा रखा है, अगर होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा अभी, ठीक है थोड़ी देर में दिखाऊंगा। भाई देखो भाई, मसालों के नाम नहीं पता मेरे को, मेरे को दो ही मसालों के नाम पता है, तीन चार के पता। देखो एक तो ये हल्दी होती है, एक चाट मसाला होता है, एक काला नमक होता है, एक नमक होता है, एक मिर्च होती है। मिर्च में भी इतने सारे वो तरीके के होते हैं, मेरे को नहीं आते भाई। मैं देखो दो चीज है, ये देख लो, ये दोनों चीजें मेरे को सेम लगती है, पर फिर भी मैं पता नहीं मेरे दिमाग में क्या कीड़ा है, मेरे को ये डालनी ही होती है अलग अलग। मैं दोनों डालता हूँ थोड़ी थोड़ी, ठीक है। और ये दोनों चीजें डाल ली, ये एक तो नमक है एक मिर्च है, ठीक है बस यही चीज है। और मैं कुछ डालता नहीं इसमें अटरम शटरम, हाँ ये डाल देता हूँ कभी कभार। देखो मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, जो भी आई है इसको प्रमोट नहीं कर रहा, ये डाल देता हूँ कभी कभार, पर फिलहाल अपनी किस्मत भी खराब है, ये भी खाली पड़ी है। चलो छोड़ो, इसको मैं क्यों लेके घूम रहा हूँ, चलो अब इसको मिक्स करते हैं। मेरे को पता क्या लग रहा है इसमें, मेरे से गलती हुई इसमें ना, अब मेरे को इसमें एक आलू और ऐड करना पड़ेगा। मैं आपसे बातों बातों के चक्कर में ज्यादा डाल गया मिर्च, ऐसा लग रहा है मेरे को, पर अभी 2 मिनट और मिलाते हैं इसको। देखो गाइस मेरे हाथ वगैरह सारे साफ होते हैं इसलिए मैं हाथ से कर रहा हूँ, चम्मच से करते हैं कुछ हो गया अलग टूल होते हैं, मेरे को वो पसंद नहीं है तो इसलिए मैं हाथ से करता हूँ। एक आलू फोड़ ही देते हैं।
अब बिल्कुल सही है ये, ठीक है। तब तो इसको तो रखते हैं साइड, थोड़ा सा यहाँ से क्लीन कर लेते हैं। ठीक है, अब जो है इसका तो क्या ही काम, अब थोड़ा थोड़ा। अब ब्रेड के जो ये साइड होती है ना, ये काट लेते हैं। तो गाइस हमने ब्रेड भी कर लिए हैं, सारे साइड से छील लिए हैं देखो, ठीक है, पूरा गुच्छा बन गया है। तो अब एक एक करके भरना स्टार्ट करते हैं। ये बैटर तो ज्यादा ही है, बचेगा नहीं, रात को आ जाएगा काम कोई नहीं। तो गाइस फिलहाल देखो कुछ इस टाइप से ये बन चुके हैं, ये देखो, ठीक है। तो अब बैटर दिखाओ आपको कितना लगा है, इतना बच चुका है ये बैटर, मतलब थोड़ा सा ही लगा है, बिल्कुल लगा। हम 2 से 3 आलू भी फोड़ते ना तब भी हमारा हो जाता, पता नहीं हमने क्यों फोड़े इतने। चलो टोस्टर निकाल लिया है, देखो गाइस टोस्टर पे मत जाना, कोई भी टोस्टर पे मत जाना, अभी चेंज करना है, टूटा फूटा है ये, गिर के ही टूटा है, इसको मैं हटाऊं। तो चलो गाइस अब बनाते हैं सैंडविचेस को, सारे सैंडविच बनाते हैं, इतना आपको दिख ही जाएगा सारा। तो गाइस फिलहाल हमारे सैंडविचेस लग चुके हैं, 2 सैंडविच और बनाने हैं, मतलब 2 सैंडविच और लगाने, 2 लग चुके हैं, ठीक है। और फिलहाल मैं ना ये कुछ जो मैं बता पहले एक बार, ये अगर आपको याद हो तो मेरी एक सैंडविच की एक्टिविटी स्कूल में, उसके अंदर ना सॉसेस वगैरह मेरी बच गई थी, तो वो पड़ी है, अगर कुछ इसमें यूज हुएगी तो देखते हैं, खाने में यूज होगी, वहां पे साइड में रख दूंगा ना प्लेट के, तो वो अच्छा भी लगेगा और खाने में भी अगर लगानी होगी तो, मतलब लगाएंगे जब रखेंगे तो अच्छा लगेगा। क्या हो क्या रहा ये, तो गाइस हमारे जो है सैंडविचेस बन के तैयार हो गए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो ये सॉस वगैरह भी रख दिया मैंने, ठीक है, ये देखो फुल दोनों तैयार हो गए हैं। अब इसके ऊपर ना बटर लगा देते हैं थोड़ा सा, मैं लेके आया बटर, इतना आप ओफ हो
तो गाइस यही मिला मेरे को, कटा हुआ बटर तो मिला नहीं, तो यही लगा देते हैं थोड़ा सा ऊपर ही ऊपर में कर लेते हैं। मजा हो जाता है करने में। देखो ऐसे चिपक जाता है ये। अब ये जो है इसको, ये जो थोड़ा सा हो गया है इसको ऐसे करके निकाल दो। सॉरी गाइस, फोन में चार्जिंग खत्म हो गई थी तो अभी चार्जिंग पे लगाया है, मतलब लगाया था तो अभी कुछ हुई है चार्जिंग। तो अभी ब्रेड हमारे बन चुके हैं, एक ब्रेड के उसमें मैंने आपको सारा प्रोसेस दिखा दिया था, दूसरे ब्रेड पे फोन ही ऑफ हो गया था कि क्या करता, बस आपने देख लिया था वही करा है मैंने। देखो ऐसा कुछ मतलब बन के आया है हमारे पास, ठीक है। ये हमने चटनी रख दी है, ठीक है, जब तक चलेगी जितने ब्रेड तक हम लगा के खा सकेंगे खा लेंगे, वरना बिना चटनी खा लेंगे। और ये हमने ब्रेड बनाए हैं, तो चलो अगर कुछ और होगी चीज़ तो बताएंगे, वरना व्लॉग एंड करेंगे।